हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले वक्रांगी लिमिटेड शेयर के बारे में। आज हम इसका डिटेल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। इसी के बाद मैंने इस शेयर को आज क्यों चुना है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कर लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 3900 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है, तो अच्छा खासा कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 44 का है, तो स्टॉक भी जो वो ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इसी का इंडस्ट्री स्टॉक भी 29 का, तो इंडस्ट्री स्टॉक पी के हिसाब से भी इस शेयर का स्टॉक पी जो है वो ज्यादा आगे बढ़ चुका है। इस शेयर का जो आरओसी वो 3.12 का है, आरओई जो है वो 2.37 का है। तो आरओई और आरओसी जो है हमें एवरेज में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अच्छी बात ये है कि कंपनी पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक अच्छी बात है। इसी के साथ कंपनी डिविडेंड भी देती है, इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो 0.27% का है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, कर्जा भी नहीं है। बुक वैल्यू जो है 25 है, करंट प्राइस 37 है, तो बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल फंडामेंटल जो है वो अच्छे खासे जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम इनके प्रॉफिट्स को देखें तो अपनी इंडस्ट्री में ये नंबर वन पे रैंक करती है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर हम देखें तो सेकेंड नंबर पे जो कंपनी है उसका 95 करोड़ का जो है मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। इनके कॉम्पिटिशन में दूसरी कंपनी अभी तो नहीं है। इसी के साथ सालाना प्रॉफिट देख लेते तो इनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर का वो सितंबर महीने में बनाया था 27 करोड़ का, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना है। उससे पहले 23, 21, 17 अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी लगातार बनाती हुई जा रही है। अगर हम देखें 2018 में 4 से स्टार्ट किया था, अभी 27 तक कंपनी लेके आई है, तो ये एक अच्छी बात है। सेल्स भी 97 से स्टार्ट की थी, सेल्स भी लगभग दुगना कर दी है, 207 की इनकी सेल्स अभी चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि इनकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहे हैं, तो कंपनी की ग्रोथ जो है अच्छी खासी जा रही है। इसी के साथ अगर हम आ जाते हैं टीटीएम का प्रॉफिट 88 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने इस बार भी बनाया हुआ। उससे पहले 63 था, 71, 25, तो 2019 से अब तक का हाई प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का। अगर हम उससे पहले देखें तो कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही अच्छे खासे थे, उससे अभी कम हो चुके हैं। तो 680 करोड़ का प्रॉफिट था, 500 करोड़ का भी प्रॉफिट कंपनी ने बनाया हुआ है, तो पहले इनके प्रॉफिट जो थे अच्छे थे। अगर हम देखें 2010 में 24 था, फिर बढ़ते हुए प्रॉफिट 2007 तक 500-600 तक पहुंच चुके, तो फिर 88 तक। अभी हमें यहाँ पे सिचुएशन जो है कंपनी की सुधरती हुई दिख रही है। अगर एसेट चेक कर दो 2000 की इनके जो एसेट 2917 के, कैश फ्लो जो है -7 का है, और प्रमोटर्स के पास जो है 42% शेयर है, FIs के पास 8% शेयर्स, DIs के पास 6%, पब्लिक के पास 42%। पब्लिक और प्रमोटर्स के पास इक्वली शेयर्स हैं, प्रमोटर्स के पास अच्छे खासे शेयर्स हैं। और अगर हम देखें तो 2018 में 41% शेयर्स थे, अभी जो है 42%, 1% शेयर्स प्रमोटर्स ने अपने पास जो है वो बढ़ा दिए। ये एक पॉजिटिव बात है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे। इसी के साथ पब्लिक के पास जो है वो भी 1% शेयर्स बढ़ चुके हैं, तो ये पब्लिक के पास थोड़े से ज़्यादा शेयर्स है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल जो है वो अच्छे, प्रॉफिट अच्छे खासे जा रहे, सब कुछ सिचुएशन जो है वो यहाँ पे सुधरती हुई दिख रही है। अगर हम आ जाते हैं इनके टेक्निकल चार्ट पे, तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट। तो इसकी प्राइस जो है 37 चल रही है। अगर हम देखें तो ये लगातार गिरावट के बाद अभी यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है, सपोर्ट लेकर ये शेयर ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर हम ऊपर की तरफ टारगेट चेक करें तो क्या बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस शेयर के जो टारगेट्स हैं वो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 27% के बाद ही आ सकता है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। 47 रुपीज़ का इसका जो अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ पे बनता है वो भी देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ अगर हम चेक करें तो 33 का सपोर्ट है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। 4 रुपीज़ का सपोर्ट यहाँ पे नीचे बन रहा है, ऊपर की तरफ अच्छा खासा 10 रुपीज़ का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है कि टारगेट बिग है और सपोर्ट जो है वो ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है। टेक्निकल चार्ट पे अच्छा खासा पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पब्लिक वोट की बात कर लेते तो पब्लिक वोट 77% लोग वो बाय की तरफ वोट कर रहे हैं, 15% लोग जो है वो सेल की तरफ वोट कर रहे हैं, होल्ड की तरफ जो है 7% लोग वोट कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे बाय की तरफ वोट कर रहे हैं, 1000 लोगों ने वोट किया है, उसमें से 70% लोग जो है वो 77% लोग बाय की तरफ वोट कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग जो है वो बाय की तरफ वोट कर रहे हैं। अच्छा खासा अगर हम देखें तो यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न मिल रहा है, इसमें जो है सपोर्ट लेके ये शेयर ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये एक टारगेट यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा है। फंडामेंटल भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई जा रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।